हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई हिस्सेदार, पटीदार, आपका भाई, आपके चाचा, आपके तौ कोई संपत्ति बेच रहा है तो उस संपत्ति में सबसे पहला अधिकार किसका होता है। सबसे पहले वो संपत्ति खरीदने का कौन अधिकारी होता है, और यदि वो अधिकार जिस व्यक्ति को होता है और उसको नहीं मिलता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास क्या कानूनी अधिकार होता है उस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का। तो इसी पॉइंट को आज मैं क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर गांव घर में कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उस प्रॉपर्टी का मौखिक तौर पे तो बंटवारा हो गया है, लेकिन लिखित तौर पे किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि उसका जमाबंदी नंबर अलग नहीं हुआ है, खेसरा नंबर अलग नहीं हुआ है, और उसके बाद वो संपत्ति कोई हिस्सेदार बेच देता है किसी थर्ड पार्टी को, तीसरे पक्ष को। अपने जो हिस्सेदार होते हैं उनको वो नहीं पूछता है कि आपको खरीदना है या नहीं। तो उस स्थिति में जो उनके अपने हिस्सेदार हैं, वो हिस्सेदार चाहे तो उस पे मुकदमा करके वो संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसकी धारा 22 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22। ये कहता है कि अगर कोई अपने हिस्सेदार किसी संपत्ति को बेचना चाहता है तो उस संपत्ति में सबसे पहला अधिकार उसके जो और अन्य हिस्सेदार हैं उनका है। वो हिस्सेदार यदि नहीं लेते हैं तो ही वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके 5 लड़के हैं, और उसमें से एक लड़का अपने हिस्से की संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो उस स्थिति में उसके जो और अन्य लड़के हैं वो चाहे तो उसके केवाला जो है, उसकी सेल डीड जो है, उसको कैंसिल करा सकता है कोर्ट में केस फाइल करके हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 के अनुसार, और उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे उस संपत्ति का फिर मूल्य क्या होगा। मूल्य डिपेंड करता है कि जितने में उसने थर्ड पार्टी को बेचा है उसका नकल निकाला जाएगा सेल डीड का। सेल डीड में जो भी वैल्यू रहेगी उसी वैल्यू पे उसको मानना पड़ेगा, और वही वैल्यू जज साहब जब डिक्री पास करेंगे तो वही वैल्यू उसमें लिखाएंगे। हो सकता है जज साहब ज्यादा यदि मर्सी दिखाए तो कुछ अमाउंट जिस हिसाब से जब उस संपत्ति का डिक्री होगा उस समय जो वैल्यू बनता है तो वो वैल्यू भी वो कर सकते हैं, उसका दिला सकते हैं। लेकिन ये यदि चाहें कि 5 लाख की प्रॉपर्टी अभी बेचा, 5 साल बाद उसका 20 लाख वो कर देंगे, ऐसा कतई नहीं होता। 5 लाख की प्रॉपर्टी का यदि 5 साल बाद डिक्री होता है तो हो सकता है उसका 6 लाख हो जाए, 5.5 हो जाए। लेकिन कानूनन यदि देखा जाए तो 5 लाख की प्रॉपर्टी यदि सेल डीड में 5 लाख लिखा हुआ है और उसका नकल हम लगाते हैं एज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के रूप में तो 5 लाख की वैल्यू ही रहेगी। तो कहने का मतलब है कि अपने हिस्सेदार को सबसे पहले किसी संपत्ति को खरीदने का अधिकार होता है। यदि आप हिस्सेदार नहीं भी हैं और आपके अगल बगल में आपके घर के खेत खलिहान के अगल बगल में कोई प्रॉपर्टी बेचता है, मान लीजिए आपके खेत के बगल में किसी और का खेत है वो बेचता है, तो अधिकार है कि सबसे पहले आप उस खेत को खरीदें, आपसे वो व्यक्ति पूछे कि आपको ये लेना है। यदि आप मना करते हैं तो ही वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है, अदरवाइज उसका जो सेल डीड है वो कैंसिल इस कानून के अंतर्गत हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।